नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जानवी यादव और आप देख रहे हैं एचएन न्यूज। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और उनके बेटे कैबिनेट मंत्री आदित्य ठाकरे को ट्विटर पर औरंगजेब और बेबी पेंगुइन का नाम देने को लेकर समित ठक्कर पर अश्लीलता और मानहानि के आरोपों के तहत मामला दर्ज किया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक युवा सेना और शिवसेना के कानूनी सलाहकार धर्मेंद्र मिश्रा की शिकायत पर कार्रवाई की गई। आपको बता दें कि अपने ट्वीट में समित ठक्कर ने कहा है कि मिलिए महाराष्ट्र के मोहम्मद आजम शाह उर्फ बेबी पेंगुइन उर्फ आदित्य ठाकरे से, जो कि आधुनिक औरंगजेब के सुपुत्र हैं। ये वही शख्स हैं जो पूजा दर्शन को छोड़कर पंढरपुर में हिंदू धर्म का अपमान करते हैं, लेकिन इनके पास दरगाह यात्रा के लिए विश्वास और समय है। अब जब इस बात को लेकर मामला बढ़ा और समित ठक्कर पर FIR दर्ज हुई, तो समित ने जवाब में कहा कि मैंने सिर्फ मजबूत भाषा का इस्तेमाल किया है, जो किसी भी तरह से असंवैधानिक नहीं है। अगर मेरी पोस्ट अपमानजनक थी तो ट्विटर ने उन्हें क्यों नहीं हटा दिया? मैंने सरकार की आलोचना करने के लिए सिर्फ अपने लोकतांत्रिक अधिकारों का ही इस्तेमाल किया है। जब VP रोड पुलिस अधिकारियों ने मुझसे संपर्क किया तो मैंने उनसे कहा कि मैं बाद में पुलिस स्टेशन का दौरा करने में सक्षम हो जाऊंगा, क्योंकि अभी लॉकडाउन चल रहा है। मैंने अपना बयान पुलिस कमिश्नर और DCP को ईमेल के माध्यम से भेज दिया है। माना जा रहा है कि आदित्य ठाकरे को शिवसेना द्वारा BMC के चिड़ियाघर में विशेषज्ञों द्वारा कड़ी आपत्ति के बावजूद पेंगुइन को आयात करने के लिए बाध्य करने के फैसले पर उन्हें पेंगुइन उपनाम दिया जा रहा है। इसके पहले भी समित ठक्कर को शिवसेना के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र सरकार के समर्थकों द्वारा कई मामलों में निशाना बनाया गया है। यही नहीं, ठक्कर के अनुसार उनके खिलाफ कम से कम 11 FIR दर्ज की गई हैं और 2 अदालती मामले चल रहे हैं। तो ये थी हमारी आज की खास रिपोर्ट। इस तरह की खबरों के लिए देखते रहिए चैनल न्यूज़। हमारी न्यूज आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे हमारी सारी अपडेट्स आपको मिलती रहे।